कमाल है, जो सपना मैं बंद आंखों देख रही थी वो खुली आंखों भी नजर आने लगा। रीटा, मैं तुम्हें जगाने आया था। तो कौन सा पाप करने आए थे? छोकरी की तरह लाल तो ऐसे हुए जा रहे हो जैसे ये सब कभी देखा ही नहीं। स्वामी जी, गेरवे वस्त्र पहनकर महालक्ष्मी के मंदिर में धुनी रमा कर बैठ जाइए। चाय तैयार है। चाय तैयार है। अरे प्यार में तो लोग दुनिया छोड़ देते हैं, तूने तो सिर्फ घर छोड़ा है। और फिर हम लड़कियों को एक न एक दिन बाबुल मोरा। बस बकवास बंद कर अभी। अच्छा बाबा, बंद कर दिया। पता नहीं बेचारे राजू पर क्या बीती होगी, मैंने उसे ठीक से नहीं समझा ना, बेचारे को मेरे कारण घर छोड़ना पड़ा। पता नहीं वो मुझे माफ करेगा या नहीं। अरे पगली, वो प्यार ही क्या जिसमें माफी मांगी जाए, और वो यार ही क्या जिसकी बाहों में सिमट दुनिया की खबर रहे। लेकिन पॉली वो अब भी सामने आ जाएगा तो एक बार हाथ में हाथ थाम उसकी आंखों में झांकोगी तो पूछूंगी कि जिस दिल में यार का प्यार है उस दिल में माफी के लिए भी कहीं जगह बची है क्या। साजन से मिलन होगा। चुप ना। शर्माने के दिन आ गए। चुप मुड़े। अच्छा सुनो, तुम्हारा मैसेज राजू को क्लास में पहुंचा दिया गया है, जैसे ही क्लास छूटी वो सीधा यहाँ। और फिर साजन से मिलन। भागो भागो यहाँ से, जल्दी आओ मेरे साथ, इधर आओ। पॉली, ये भूत यहाँ कहाँ से आ गया, सब काम गड़बड़ कर देगा। पॉली को सोच, पॉली जल्दी सोच, पॉली सोच, पॉली सोच, सोच। हो गई, अब क्या होगा? हो गई, मर गए। अब क्या होगा? अनु, ये बेहोश हो गई, मर गए। अनु, मर गए, भूत आ गया, सर पे आ गया, अब क्या होगा? पॉली को सोच, सोच, सोच। क्लास छूट गया है, राजू आता ही होगा। तुम दोनों अनु को डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ। कीकी को मैं संभालती हूँ। ठीक है। कीकी, कीकी, मुझे भी चक्कू चलाना सिखाओ ना। अब आप अंदर जा सकते हैं। मैं तो घबरा ही गया था। घबराने की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा मैं आधे घंटे में यहाँ से जा सकती हूँ। हैरी, तू जरा यहीं ठहर, मैं डॉक्टर से मिल के आता हूँ। ओके। पर हुआ क्या था? उसी से पूछ लो ना। अनु ने तो आपको बता दिया होगा कि वो माँ बनने वाली है। क्या? अनु की बातों से मुझे पता चला कि तुम लोगों की अभी शादी भी नहीं हुई। जी, शादी तो हो चुकी है, भगवान के मंदिर में। और उस शादी में न तुम्हारे माँ बाप थे न कोई गवाह, न ही तुम्हारे पास उस शादी का कोई सबूत। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है? जी 21 साल। पूरे 21? जी कुछ 4 महीने बाकी हैं। और 19 साल के होने के लिए अभियानों को 3 महीने बाकी है। इसका मतलब है कि कानूनी तौर पर तुम लोगों की शादी नहीं हो सकती। आप तो एक ही हल है, तुम दोनों के माँ बाप तुम्हारी शादी कराए। वो तो एक दूसरे की सूरत तक देखने को तैयार नहीं। माँ बाप तुम्हारी शादी करेंगे नहीं, और कानून तुम्हें शादी की इजाजत देगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी उम्र कम है। अगर माँ बाप बनने के लिए हमारी उम्र कम नहीं तो शादी करने के लिए कैसे कम है? ये सवाल मुझसे नहीं, कानून बनाने वालों से पूछो। अजीब कानून है यार, माँ बाप चाहे तो बच्चों का भी ब्याह रचा सकते हैं, लेकिन हम अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकते। अरे नो प्रॉब्लम यार, 4 महीने की तो बात है, तब तक तुम दोनों मेरे घर में छुपे रहो। ओ,
और फिर बजेगी शहनाई और फिर चुप। किसी ने अन्नू को खाना दिया अभी तक? वो मैंने सुबह जो कहा था गुस्से में कहा था। तुम क्या समझे कि मैं सचमुच अनु को भूखा प्यासा रखूंगा? राम सिंह खाना लाओ, मैं अपने अनु को आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। क्या बात है? अनु भाग गई डैडी। भाग गई कैसे? अन्नू को तुमने भगाया? मैं पूछता हूं, अन्नू को तुमने भगाया है? हां। क्यों? इसलिए कि मैं भाग नहीं पाई थी, इसलिए कि मैं नहीं चाहती थी कि वो जिंदगी भर मेरी तरह कुंवारी बैठी रहे, इसलिए कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं, भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। इसलिए तुमने जो मेरे साथ किया था वो उसके साथ ना कर पाओ, इसलिए ये नफरत और जुल्म का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसलिए 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 तुम पागल हो गए। मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस, शगुन कुछ अच्छे नजर नहीं आता यार। राजू भाग। आओ बच्चू आओ, पुलिस तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। तो चलो, मैं कौन सा पुलिस से डरता हूं। क्या नाम है तुम्हारा? जी हैरी। हैरी, बहुत दोस्ती है तुम्हारी उस हरामजादे से। किससे? उसी उल्लू के पट्टे से जिसने मेरी बेटी को भगाया। जी कहां है वो सांप का बच्चा राजू? मैं उसका खून पी जाऊंगा। देखिए, आपको ऐसी गंदी गालियां नहीं देनी चाहिए। जो सर से पैर तक गंदगी से भरा है उसकी जुबान गंदी नहीं तो और क्या होगी? कचरे के डब्बे से ढक्कन हटाइए तो बदबू ही आएगी। जिस हरामजादे ने मेरी बेटी को भगाया उसे गाली नहीं दूं तो क्या फूलों के हार पहनाओ? वो मेरा बेटा है, तुम उसको गाली दोगे तो क्या मैं चुपके से सुनता रहूंगा? एक बार नहीं कहूंगा, हजार बार कहूंगा। लफंगे का बेटा लफंगा, क्या कर लोगे मेरा तुम? अरे मोची, तेरे ही बनाए हुए जूतों से मार मार कर सर गंजा कर दूंगा। प्लीज आप लोग हटिए, लेट मी इंक्वायर, मुझे कुछ पूछने दीजिए। राजू और अनु कहां है? अभी अभी तो मेरे साथ थे, किकी को देखा तो भाग गए। भाग गए कहां? ये मैं नहीं जानता। ये झूठ बोल रहा है। झूठा तू, झूठा तेरा। सॉरी अंकल। इंस्पेक्टर साहब, एक नाबालिग लड़की को वरगलाने की सजा क्या है? 7 साल। इंस्पेक्टर, आप तो आज की मॉडर्न लड़कियों को पहचानते हैं, अपने खर्चे पूरे करने के लिए अमीर लड़कों को फंसाती हैं। एक नजर उनके दिल पे तो दूसरे उनके पॉकेट पे होती है, उन्हें भला कौन वरगलाएगा? अन्नू किसी फुटपाथ छापे की नहीं, करोड़पति बाप की बेटी है। दौलत आने से इज्जत नहीं आ जाती, कहलाएगी फिर भी मोची की लड़की। तेरे बेटे से तो बाद में समझूंगा, पहले तुझसे तो निपट लूं। मेरे अंदर भी कब से आग चल रही है, तेरे लहू की छींटों से ही पूछेगी। आप लोग फिर उलझ गए। प्लीज प्लीज, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो लोग कहां गए होंगे? जी नहीं। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून, कुड आई हेल्प यू? एक कमरा मिल सकता है? आपकी बुकिंग है? सॉरी नो अकोमोडेशन। बिना सामान के हम कमरा नहीं देते। माया रानी, हमारा काम कब होगा? अरे मुवे, चाबी तो दे। लेना चाबी। वो एक कमरा मिलेगा? कितने घंटे के लिए चाहिए?
यही कोई दो चार दिन के लिए? दो चार दिन के लिए 40 रुपए पर डे। हाँ एडवांस। राम सिंह साहब को 203 में लेकर जाओ। क्यों छोमिया, बहुत दिन के बाद आए हो, क्या बात है? कुछ अजीब सी जगह है, पर क्या करें, मजबूरी जो है।